हेलो गाइस, चिंकी रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम या कच्ची केरी का खट्टा मीठा चटपटा सा आम का अचार। तो आम का अचार बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये 1 किलो कच्चा आम लिया है या केरी ली है, उन्हें हमें अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम एक कपड़ा लेंगे, जो भी नॉर्मली आपके पास जो कपड़ा हो आप वो यूज़ कर सकते हो। ये हमने कपड़ा लिया है, इसे अच्छे से हमें पोंछ लेना है। पोंछ लेने के बाद हम एक चाकू लेंगे, चाकू की हेल्प से हम इसके आगे का चिक निकाल लेंगे। ऐसे ही आपको सभी का निकाल लेना है। फिर इन कच्चे आम को हम एक चाकू की हेल्प से सभी के एक एक करके हम इनके छिलके निकाल लेंगे। छिलके निकालने के बाद ये हमारी सारी केरियों के हमने छिलके निकाल के रख लिए हैं। फिर रखने के बाद हम एक केरी कट्टा लेंगे, उसकी हेल्प से हम इन केरियों के छोटे छोटे पीसेस करेंगे। जो भी आपको साइज रखनी है आप वह रख सकते हो। इन सभी केरियों को हम एक एक करके ऐसे ही कट कर लेंगे। यह आम की उटली आपको फेंकना नहीं है, यह आम की उटली बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में आम की उटली की रेसिपी डालूंगी, तो प्लीज़ आप इसे फेंके ना। ज़रूरी नहीं है कि आप केरी कट्टे का ही यूज़ करें केरी काटने के लिए। अगर आपके पास केरी कट्टा नहीं है तो आप चाकू की हेल्प से केरियों को काट सकते हैं। आप केरियों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है चाकू की हेल्प से। फिर उसके बाद इन सभी केरियों को कट करने के बाद आप 1 किलो केरी में आपको 1 किलो ही शक्कर लेनी है। शक्कर लेने के बाद आप कटे हुए आम के पीसेस में शक्कर को डाल देंगे। शक्कर डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फिर इसको ढक के आपको रख देना है। 4 से 5 घंटे के बाद हम देखेंगे कि हमारी शक्कर पूरी तरह से पिघल गई है। फिर हम इसे भगोने में निकाल लेंगे। भगोने में निकालने के बाद हम इसे गैस पर रख देंगे। गैस को हम मीडियम आंच पर रखेंगे। मीडियम आंच करने के बाद हम इसे ऐसे ही पकाते रहना है और बीच बीच में हमें ऐसे ही इसको मिक्स करते रहना है। मिक्स करने के बाद हम देखेंगे 2 से 3 मिनट के बाद हम देखेंगे कि इसमें उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद हमें इसे अच्छे से पकाते रहना है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें मसाला डाल, फिर इसमें हम 2 छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। भुना हुआ जीरा पाउडर डालने के बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन पाउडर डालेंगे, भुना हुआ अजवाइन पाउडर। फिर इसके बाद हमने 2 चम्मच सौंफ पाउडर डाला है। सौंफ पाउडर डालने के बाद हमने 1 चम्मच काला नमक डालेंगे। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। फिर इसमें हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हम इसमें 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। 1.5 चम्मच नमक डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसमें 3 काली मिर्ची डालेंगे। इसमें हम 1 इलायची डालेंगे। इलायची डालने के बाद इसमें हम 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद हम इसे 7 से 8 मिनट तक उबाल लेंगे। उबालने के बाद हम इसमें एक आम का टुकड़ा निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम चेक करेंगे क्या पका या नहीं पका। देखो पूरी तरह ट्रांसफ़र हो गया है। यह हमारा आम का अचार बनके तैयार हो चुका है। फिर हम एक थाली लेंगे। थाली में हम 1 बूंद चाशनी की डालेंगे। चाशनी डालने के बाद हम इसे 2 तार की आपको चाशनी रखनी है। यह हमारा खट्टा मीठा चटपटा आम का अचार बनके तैयार हो चुका है।
यह हमारा आम का अचार देखने में जितना अच्छा दिख रहा है, खाने में ही उतना ही टेस्टी है। आप आम के अचार को प्लास्टिक या कांच के कंटेनर में 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।